टीकाकरण से तीसरी लहर रुक गई, लेकिन वह भी वायरस, वो भी जिंदा होता है, वो जैसे ही मौका पाएगा अटैक कर देगा और महामारी जरूर आ जाएगी। अब समस्या यहाँ आके खड़ी हुई कि अभी तक जो टीके लगे, लोग स्वेच्छा से भीड़ लाइन दिन भर 8-8 बजे रात तक टीका लगता रहा, स्वेच्छा से उत्साहित होकर के जिन लोगों ने टीकाकरण कराया उनका टीकाकरण जनपद में हो गया, मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में कोविड 19 के वैक्सीनेशन के संबंध में मदरसों में कैंप लगाए जाने हैं, जिनके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 27/11/2021 को 7:30 बजे बैठक आयोजित की गई थी। 34 लाख के ऊपर टीका लग चुका लोगों को, 34,12,000 का अभी का आंकड़ा ठीक है, जिसमें प्रथम डोज लगवाने वाले लोग 24,000 के करीब है, 10,000 के ऊपर सेकेंड डोज लग गया लोगों को। तो जहां 34 लाख के ऊपर टीकाकरण हो चुका है, इतनी डोज लगाई जा चुकी है, 7-8 लाख लोगों को फर्स्ट डोज लगानी है, फिर उन्हें सेकेंड लगा दिया जाएगा, उन्हीं को किसी प्रकार हम लोगों को टीका लगवाना है। इसीलिए आज ये बैठक बुलाई गई है, इस टीकाकरण में हम आपकी मदद चाहते हैं, ताकि आप लोग अपने इर्द गिर्द, अपने समाज में, परिवार में, आपके मदरसों में यदि 18 वर्ष के ऊपर के लोग हैं तो उनका टीकाकरण हो जाए, ठीक है, तो इसे आपके सहयोग से बढ़ेगा। बाकी हम सहयोग करा रहे हैं, कोटेदार लगे हैं, ग्राम प्रधान लगे हैं, सेक्रेटरी लगे हैं, सब लोग लगे हुए हैं, हमारी एनम्स रात दिन टीकाकरण कर रही है, एक दिन छुट्टी नहीं ले रही, त्योहार के दिन टीका लगा रही, उसके जीवन को सोचिए क्यों लगा रही है इतना बड़ा त्याग, घर परिवार घर का रास्ता भूल गई, क्यों, क्योंकि यह देश ऐसी महामारी से हमारा समाज बच सके, स्वास्थ्य कर्मी है, स्वास्थ्य की रक्षा का संकल्प लिया है, हमारे डॉक्टर्स रात दिन काम कर रहे हैं, तो अब लोगों को लगवाना है, उनको कैसे मोटिवेट करके उनको टीका लगवा दें, थोड़ा इसमें आप लोग मदद करिए, अब आपकी मदद से थोड़ी और सफलता बढ़ेगी हम लोगों की, हम लोग काम तो कर ही रहे हैं, तो इसमें मदद किस प्रकार से करेंगे आप लोग, एक तो हम ये चाहेंगे पहला कि अपने इर्द गिर्द लोगों को समझा के जो टीका न लगवाए वो जरूर लगवा लें, जो अस्पताल जाने लायक हो अस्पताल चले जाए, जो नहीं जाने लायक हो उनके गांव में टीम जाती है तो वहां लगवा लें, गांव गांव टीकाकरण चल रहा है, गांव गांव टीम जा रही है, कोई गांव बाकी नहीं है, ठीक है, एक तो ये काम करवाइए। अच्छा, हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि इतने लोग जो आए हैं इसमें से कितने लोगों को टीका लग चुका है, जरा सा हाथ उठा दे बताइए, लगभग 100% कुछ लोग रह गए, ठीक है, 2-4 लोग, तो यह बहुत अच्छी बात है, सब लोग टीका लगवा रहे हैं, ठीक है। अभी सऊदी अरब, ओमान और तमाम बाहर के देशों में जाने वाले लोगों को हम लोग रात दिन यहाँ टीका लगवा रहे थे, 200, 300, 400 लोगों को रोज टीका लगवा रहे थे, कि दोनों टीका लग जाएगा तभी उनको अनुमति मिलेगी जाने, तो उसमें भी हमारे समझ से जाने वाले लोग 50-60 हजार लोग जौनपुर से टीका लगवाए, ठीक है, तो हमारा ये कहना है कि आप सभी लोग टीकाकृत हैं, बड़ी अच्छी बात है, तो कम से कम बस इतना देखें कि आपके इर्द गिर्द समाज में जो लोग न लगवाए हो उनको कहें कि भैया ये महामारी को रोकना है, खुद को सुरक्षित हो जाएंगे टीका से, और जो महामारी आ रही है रुकेगा, रुकता है कैसे, थोड़ी सी बात बता दें 2 मिनट के बाद, एक्चुअली ये जो वायरस है ना इसका चेन ऑफ ट्रांसमिशन होता है, आप पर गया, आपसे स्टार्ट से उनको गया, उनसे उनको गया, उनसे उनको गया, उनको अब आपको गया, ठीक है, उसके बाद 10 लोगों को टीका लगा हुआ, अब यह वायरस आपके यहां से आगे बढ़ेगा, पनप नहीं पाएगा, तो उसका टूट जाएगा, आपके शरीर में खत्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर वायरस आया सभी लोग यूनाइट तो उसको शरण कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर पर ही तो अटैक करता है, कोई शरीर उसको अटैक करने लायक नहीं है, अच्छा शरीर में जाएगा जरूर वो आएगा, लेकिन हो सकता है किसी को हल्का सा फुंकना जुकाम सुकाम हो, हल्का हरारत एक आदमी दिन हो, खत्म हो जाएगा, तो टीका लगने से वायरस को शरण नहीं मिलेगा, महामारी समाप्त होगी, और दूसरा किसी के शरीर में जाएगा तो बहुत से लोगों को कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी जिसकी कम इम्यूनिटी बनी होगी उसको थोड़ा फुंकनाहट होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा,
स्वतंत्र। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी जिंदगी भी सुरक्षित हो गई, खतरे में तो जाना नहीं है, और दूसरा वायरस को जो फैलाव है वो भी टूट जाएगा, महामारी रुक जाएगी।